अब तक आपने देखा। उन तीनों ने धोखा किया हमारे साथ, पानी में जहर, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं, अरे हम लोग बहुत दूर से आए हैं, रागी रहे हम, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये याकूत कहाँ मिले? अब आगे। आराम से ये काढ़ा पिया है ना, उसका असर हो रहा है, पेट से सारा जहर धीरे धीरे निकल जाएगा। जितना वमन करोगी उतना अच्छा महसूस करोगी। मिर्जा, हमने सारे दास और कनीजों को बाहर भगा दिया है, अब आपको जो करना है आराम से कीजिए। बहुत मेहरबानी छोटे सुल्तान, अब इन लोगों को इनका काम भी बांट दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। मोहनदास, तुम सब्जी काटोगे? और मुझे तो सब्जी काटनी ही नहीं आती छोटे सुल्तान। मिर्जा, इसे सब्जी काट के बताओ। जो हुक्म छोटे सुल्तान। ये देखिए, अब समझ में आया? रजान काका, अब दाल और चावल पकाएंगे। जी छोटे सुल्तान। तो सबको समझ में आ गया क्या करना है? पर सुबेदार जी, हम खाना क्यों बना रहे हैं? शाही रसोइये भी तो हैं ना इस काम के लिए। अमा मियां, शाही खानसा में तो रोज काम कर करके खुद पक गए, वही रोज रोज बासी शाही पनीर, शाही खीर, शाही कोरमा। अरे हम लोग कुछ सादा बनाते हैं, कुछ नयापन लाते हैं। तो बोलिए, शुरू करें? जो हुक्म सुबेदार मिर्जा। जो हुक्म सुबेदार जी। चलिए शुरू करते। हमने तय कर लिया है, जाफरान की ये लजीज खुशबू ये कहां से आ रही है? नानी जान, इतनी लाजवाब खुशबू, लगता है बहुत ही लजीज खाना बनाया जा रहा है। सच में नानी जान, हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। दुर्गन, ये इतने अच्छे खाने की महक कहाँ से आ रही है? बड़े नमक हराम है यहाँ के रसोई, हमें तो देखो कुछ भी खिला देते हैं, और शाही खानदान के लिए लजीज पकवान पकाते हैं। छोटे सुल्तान, जरा चक्कर बताइए कैसा बना? लाजवाब मिर्जा, तुम तो कमाल हो।
किया? आप कौन है? ये कौन सी जगह है? कहाँ है हम? इतने सारे सवाल एक साथ? अरे बिटिया, खाना लाए हैं हम आपके लिए। पहले खाना खा लो, फिर जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। हमें नहीं खाना है। पूरे शरीर में फैल गया था, काफी सारा खून भी बह गया था आपका। खाना खा लो बिटिया। हमें नहीं खाना है। हम बस हमें ये बता दीजिए कि हम हैं कहाँ और आप कौन हैं। हमारे घर पे सब फिक्र कर रहे होंगे, हमारे खाना पीना सब छोड़ दिया होगा उन्होंने। अल्लाह रखा। वैसे हिचकियां तो आती होंगी आपको हमारे नाम की। जरा आहिस्ते से, जरा हौले से खत को पढ़िएगा मोहतरमा। मोहब्बत में भीगे, इश्क में रंगे सतरंगी लफ्ज भेजें। खोरे कागज से उड़ जाएंगे तितलियों की तरह। और साथ में भेज रहे हैं एक कटोरी छांव की, एक पुड़िया धूप कड़ी, एक प्याला उम्मीद का और एक कटोरी मुस्कान रस भरी। चलिए मोहतरमा, बेचे हम और आप ख्वाब निंदिया कौड़ी कौड़ी। वैसे बाकी सब खैरियत है, बस आपके शाही खानदान के लोग खाने पीने में जरा नखरे दिखाते। पर हमने भी कह दिया कि सेहत बना के रखिएगा, क्योंकि मोहतरमा जब लौट के आएंगे तो सबको बड़ा दौड़ाएंगी। और रही हमारी बात, तो कमबख्त हिचकियों ने हमें भी बड़ा परेशान करके रखा है। खुशबू बावर्ची खाने से नहीं, दावत खाने से आ रही है। तो आप सब पहले से यहां मौजूद हैं। क्या करें सुल्तान, खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि हम सब खींचे चले आए। हम देखने आए हैं कि वो कौन है जिसके हाथों में ऐसा जादू है जो इतना लज्जतदार खाने बनाता है। जायका भले जुबान से चढ़े सुल्तान, पर खुशबू तो दिल से उठती है। अब अगर दिल में अपनों के लिए इतना प्यार है तो हाथ तो खुद ब खुद लजीज खाना बना देते हैं। ओ, क्या ये कमाल आपके हाथों का है? जी सुल्तान। बहुत खूब। सुल्तान, हमारी नजर में बादशाह वो है जो भर पेट खाना खाए, और शहंशाह वो जो चैन की नींद सोए। अब जब से शहजादी रजिया गई है, आप सब लोगों ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। हम सबको उनकी ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। खैर, अब खाना इतना लजीज बना है सुल्तान, तो इंतजार किस बात का है। बिस्मिल्लाह कीजिए।
बेहतरीन। वाकई मिर्जा, आपके हाथों में कमाल है। आपके तलवार चलाने के हुनर से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन कड़छी चलाने के हुनर से हम वाकिफ नहीं थे। मिर्जा इधर आइए हमारे पास, हम आपको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं, आइए। जी हम? हाँ आप, आइए इधर। गुस्ताखी माफ हो वालिदा सुल्तान, पर अगर आप अपने हाथ से खिला रही हैं तो हमें जलेबियां ज्यादा पसंद है। क्यों नहीं मिर्जा, ये थोड़ा और मिलेगा, बहुत अच्छा है और हमें भूख भी बहुत लगी है। हम लाते हैं। जरा संभल के मिर्जा, कहीं दामन में दाग ना लग जाए। एक मशवरा देते हैं आपको मलिका, जब पान की गिलोरियां खाया कीजिए ना तो अपना मुंह जरा बंद रखा कीजिए, जुबान काबू में रहेगी। एक मशवरा हमारा भी लेते जाइए मिर्जा, अब खाना पकाने और खिलाने की आदत आप डाल ही लीजिए, हमें डर है कहीं शहजादी रजिया वापस ही ना आए। यही डर हमें भी सता रहा है मलिका, कि अगर शहजादी सही सलामत वापस नहीं लौटी तो मिर्जा का वादा है आप तीनों से, आप तीनों के बेटे भी सही सलामत वापस नहीं लौट पाएंगे। कफन तैयार रखिएगा, और मिर्जा अपना वादा नहीं तोड़ता ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक आखिरी मशवरा देते हैं आप तीनों को, शहजादी के घर वालों को खाना खिलाने की आदत तो हमने डाल ली, अब आप तीनों भी अपने बेटों के बगैर रहने की आदत डाल ही लीजिए। तुर्कन झूठ ना बोले, आज मिर्जा ने खुलेआम हमारे बेटों को मारने की धमकी ही दे डाली। खुदा के लिए हमें छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं आप सबके, हमें नहीं बनना है दिल्ली का सुल्तान, नहीं पहनना है हमने ताज, ना ही हमें वो काबिलियत है, ना ही वो हौसला। हम तो खामखा इस मौत के मुंह में आके फंस गए, खुश थे हम अपनी चित्रकारी से, जाके कह दीजिए अपने सरदार से हुकूमत के खिलाफ उसकी जो भी बगावत है हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हम तो उसकी मदद भी कर सकते हैं, हमारी 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 अम्मी जान के पास बहुत बहुत दौलत है, बहुत दौलत, हमें हमें छोड़ दीजिए। बंद कर अपनी बकवास ना माकूल, तू याकूत की मदद करेगा। ये याकूत की मदद करेगा? अरे ना मर्द, पहले अपनी जान की फिक्र कर, और दौलत हो गई है तेरे पास तो बता अपने जान की क्या कीमत देगा, बोल। हो गया, दिखा दी अपनी औकात, अगर अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी तो अपना मुंह बंद रखो मोइज। भाईजान, 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 वो अंगारे, ये अंगारे किस लिए? भाईजान, भाईजान हमारी जान बचाइए, भाईजान, भाईजान हम मरना नहीं चाहते, भाईजान ऐसे, भाईजान हमें डर लग रहा है, भाईजान हमारी जान बचाइए, भाईजान। जबान पे ताले लगे हैं या सब गूंगे हैं, यहाँ कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये अंगारे क्यों पीछा रखे हैं, बताइए हमें। तुम तीनों को इसमें जिंदा भूनने के लिए। भाईजान,
क्योंकि याकूत के इलाके में जो भी बिना इजाजत के आता है हम उसका यही हश्र करते हैं। अरे जब मारने का सोच लिया है तो भून के मारो या टुकड़े टुकड़े करके काट डालो, कोई परवाह नहीं हमें। लेकिन एक बात जाकर अपने सरदार याकूत से कह देना कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। अरे हम तो उसे एक बहादुर समझते थे, जाबाज समझते थे, पर वो तो कायर निकला। अरे वो अगर सच में जाबाज है, सच में बहादुर है, तो बाहर निकल के मर्दों की तरह हमसे दो हाथ क्यों नहीं कर लेता। बात बताइए, बेहोशी की हालत में भी हमें याद है कि हमारे सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान आया था, क्या उसने हमारी जान बचाई? क्या वो हमें यहां लेकर आया? कौन था वो? नाम क्या था उसका? ऐसा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है जो जंगल में अकेली और जख्मी पड़ी हुई लड़की पर रहम खाए। याकूत, बरसते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो सैलाब लाते हैं। देखने में तो छुई हुई सी हो पर काफी सख्त जान लगती हो बिटिया। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की बिटिया, थोड़ा और आराम कर लेती। ये सब भी आपकी दवाई और आपके प्यार का ही असर है, पर अब हम और नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। आपने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, बस एक एहसान और कर दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि आखिर याकूत ने अपने दुश्मन की बेटी को क्यों बचाया? वो चाहता तो हमें मार सकता था, सुल्तान अल्तमश से बदला लेकर अपना हिसाब बराबर कर सकता था, फिर आखिर उसने हमें क्यों बचाया? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में बिटिया, जो ईमान के बड़े पक्के होते हैं, चाहे जान चली जाए पर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। याकूत बहादुर भी है और इंसाफ पसंद भी, वो गरीबों मजलूमों और निहत्थों पर हाथ नहीं उठाता। और जहां तक हिसाब बराबर करने की बात है तो आपके भाई है ना याकूत की कैद में,
हमारे भाइयों को याकूत ने बंदी बना रखा है। अम्मा हमें बताइए कि वो सब कहाँ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। पागल मत बनो, भूल जाओ उन्हें और चुपचाप अपने घर चली जाओ। अगर तुमने अपने भाइयों को छुड़ाने की कोशिश की तो याकूत से दुश्मनी मोल लोगी, और याकूत से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें बिटिया। दोस्ती और दुश्मनी में नफा नुकसान क्या देखे अम्मा, हमने अपने अब्बू से वादा किया था कि जब हम लौट कर आएंगे तो याकूत को गिरफ्तार करके लाएंगे। अब इसके लिए हमें अपनी मौत से भी टकराना पड़े तो हमें मंजूर। जहर से तो आपको याकूत ने बचा लिया, पर डरते हैं कि याकूत के कहर से आपको कौन बचाएगा।